फ्रेंड्स नमस्कार, मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बचे हुए कपड़ों का बहुत ही सुंदर बैग बताने जा रही हूँ। और उसके लिए लेकिन ख़ास बात यह है कि नीचे कोई हमें एक इसके साथ कंट्रास्ट में लाइट कलर का कपड़ा चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी ये बचे हुए कपड़े हैं, ये देखिए ये मैंने 10 पीस काट रखे हैं और कुछ एक साइज़ के हैं, कुछ छोटे बड़े हैं, ये सब हमारे काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर का कॉटन कपड़ा लिया है, कॉटन बेस पर आज हम इसकी तैयारी करेंगे। तो ये मेरे पास अभी 10 पीस हैं, इसका साइज़ मैंने 6x6 लिया है। और ये जो पीस हैं इनका कोई साइज़ नहीं है, लेकिन जो सबसे छोटा साइज़ है मेरे पास उसका मेजरमेंट है 4x5 इंच का, सबसे छोटा पीस ये है, बाकी उससे थोड़े छोटे उससे बड़े ही हैं। और अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको पहले हमें इसमें लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, ये 6x6 का जो पीस है इसका सेंटर ले लेंगे, ये हमने सेंटर लेना है इस तरह से, ये हमारा यहाँ पर सेंटर आ गया। ठीक, अब एक पेपर लेंगे, पेपर की मैंने कटिंग पहले कर ली, तो ये यहाँ पर ये जो 4x5 इंच का पीस है उससे थोड़ा छोटा ही लिया था, और ये एक हार्ट शेप में मैंने इसको कटिंग कर ली है, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये हार्ट शेप में है। अब इस हार्ट शेप को भी हम यहाँ पर इस तरह से बराबर से फोल्ड कर लेंगे, इसका सेंटर ये आएगा, इसको यहाँ पर हल्का सा कट कर देते हैं ये। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है इसको यहाँ पर, ये जो हमने ये सेंटर निकाला है इस सेंटर पर रखते हुए, तो ये नीचे से हमें पेन का निशान दिखाई देगा, और ये जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था ये उसकी लाइनिंग दिखाई देगी इस तरह से। देखिए इसको हमने ऐसे फोल्ड किया था, तो कॉटन कपड़ा है तो इसमें अपने आप लाइन बन जाती है, ये बन गई, ये हमारी लाइन इसमें दिखाई देने लगी। अब यहाँ पे जो हमने होल किया था, ये जो हमने डॉट से निशान लगाया है इसके ऊपर रखेंगे, तो जो हार्ट शेप का जो कॉर्नर है और यहाँ पर ये जो गहरा गड्ढा है, तो ये हमारा एक लाइन में आना चाहिए, तो इस तरह से ये पूरा सीधा हमको हार्ट शेप मिल जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर किनारे ड्रॉ कर लेंगे, इसी सफ़ेद कपड़े पर इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो इसको फेंकना नहीं है, और ये खोए कागज़ है, फट भी सकता है, तो इसको मैंने एक कार्डबोर्ड पर भी काट कर रख लिया है। अब इसमें हम साइज़ भी लिख लेंगे, 4x5। मान लीजिए कि आपको, आपने बनाया, मैं तो बनाती रहती हूँ तो मुझे तो रखना पड़ता है, तो आपने बनाया और आपको भी बिजनेस करना है, या किसी ने ऑर्डर पर बनवा ही लिया, या आपको दोबारा भी बनाना है घर के लिए, तो एक आपके पास मेजरमेंट रहेगा शेप हमेशा के लिए, तो एक जैसा बन जाएगा। तो यही पैटर्न जो है, ये जो हार्ट शेप का जो पैटर्न है, इन सारे पीसेस पे हमें ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद, अब जैसे ये पीस है तो ये 4 था, ये 5 है, तो 5 को हम ऐसे रखेंगे, 4 को ऐसे रखेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पिन से अटैच कर देंगे, बीच में अटैच कर देंगे, सुई धागा लेंगे, सिंपल इस तरह से। अब यहाँ पर ये रेड कलर का मेरे पास कपड़ा है, तो मैं रेड कलर का ही थ्रेड यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, तो यहाँ से एक कॉर्नर से हम इसको, जो हमने पेन से निशान लगाया है, बस कपड़ा काटना नहीं है, कपड़े को अंदर फोल्ड करते जाना है, एक किनारे से हम स्टार्ट करेंगे, गांठ को पहले उधर कर लेते हैं, और यहाँ से इसको बहुत पतली पतली तुरपाई के साथ हमें अटैच कर देना है। ये पूरा काम हाथ से होगा, तभी इस बैग की खूबसूरती आएगी, हर चीज़ में हम मशीन नहीं चला सकते, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत हल्की हल्की तुरपाई करनी है, बहुत मजबूती के साथ करनी है, इस पर हम मशीन नहीं चलाएंगे। इसको जितने भी ये पीस हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास 10 पीस हैं और 10 ही कतरने हैं, सब अलग अलग कलर की, तो इनको हम एक एक पीस पर इसी तरह हार्ट शेप पे सिल देंगे। ये जो कपड़ा है इसको हम कट नहीं करेंगे, जब यहाँ नीचे नोक पर आएंगे तो यहाँ पर हमें डबल सुई चलानी है, फिर इसको यहाँ पर इस तरह से खोलेंगे, और जो पेन का निशान है बस उसी पर हमें सिलते चले जाना है, तो शेप अपने आप आ जाएगा, कपड़े पर हम कोई शेप नहीं देंगे।
अब जब हार्ट के इस वाले पोर्शन पर आएंगे, ये वाला हार्ट का जो पोर्शन है, तो जब यहाँ पर आएंगे बीच में, तो कपड़े को यहाँ पर हल्का सा, एकदम हल्का, ये जो हमारी लाइन दिख रही है यहाँ से हल्का सा कट कर देंगे, जिससे कि कपड़ा आसानी से मुड़ जाए। अब इसको भी यहाँ से फोल्ड करने में हमको आसानी हो जाएगी, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और हार्ट शेप देते हुए इसको यहाँ पर सिल देंगे। और जहाँ पर कट किया है, जहाँ पर ये डाउन जा रहा है एकदम नीचे, यहाँ पर हम डबल टांका देंगे, दो तीन टांका महीन महीन मार देंगे, फिर इसको यहाँ से उठाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इतनी अभी स्पेस बची हुई है, तो यहाँ पर हम डबल टांका देके इसको थोड़ा मजबूत कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो स्पेस है यहाँ पर हमारे पास, इसमें इस तरह से फाइबर ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। बहुत हल्का सा फाइबर डालना है, ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़ा सा उभरा उभरा दिखाई देने लगे। अब जो बाकी भी जगह बची हुई है इसको भी हम सिल करके पैक कर देंगे। और ये इस तरह से एक पीस हमारा रेडी हो गया, थोड़ा सा फूला फूला। इसी तरह से इसी सेम प्रोसीजर में ये जितने पीस हैं इन सबको हम पहले ड्रा करेंगे, सेंटर में बिल्कुल ड्रा करेंगे एक एक पीस को, और रखते जाएंगे और फिल सिलते जाएंगे और इस तरह से फाइबर फिल करते जाएंगे, तो पूरे 10 पीस हमको इस तरह से रेडी करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये सारे पीस इस तरह से रेडी कर लिए हैं, इस पीस से मैंने शुरुआत की थी, सब रेडी कर लिया। पूरा रेडी करने के बाद सब में बीच बीच में एक एक मोती भी टक कर दिए हैं, तो बस सिंपल इसको पीछे से ही, क्योंकि हमने इसमें फाइबर डाला है तो थोड़ा उभरा उभरा है, तो ये दबा रहे फाइबर, क्योंकि बैग को हम कभी कभी धो भी देते हैं, तो फाइबर अपनी जगह टिका रहे, इसके लिए यहाँ पर हम मोती से इसको टक कर देंगे, तो मोती लगेगा तो अच्छा भी लगेगा। आप इसकी जगह बटन भी लगा सकते हैं या जो भी आपको ठीक लगे वो लगा सकते हैं। तो इसको सिंपल ऐसे ही टक कर देना है 4 लेट थ्रेड से, क्योंकि बैग जब बन जाएगा हमारा तो ये अगर टूट के निकल गया तो सारे तो काट के निकालने पड़ सकते हैं, दोबारा लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, ये हमने बटन भी लगा दिया, नॉट लगा दिया, सॉरी मोती लगा दिया और नॉट लगा दिया। अब ये कट कर देंगे, तो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पीस है और ये पूरे हमारे 9 पीस है, तो 9 पीस से हम बैग बनाएंगे, और जो एक ज़्यादा हमने बनाया है 10वां पीस, इसको हम दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसको रख देते हैं, जो 10वां पीस है इसको हटा देंगे और बाकी ये जो पीस हैं इनको हम जोड़ेंगे। तो जैसे मैंने इसको लगा के रखा है, इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन देते हुए थोड़ा सा ये एक साथ दो कलर ना आने पाए, जैसे मैंने पहले सेट कर लिया, आप लोगों को दिखेगा भी इससे। अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं, तो पहले एक एक लाइन जोड़ते जाते हैं, सिंपल इस तरह से बराबर से जोड़ देंगे। अब इनको हम एक साथ जोड़ देंगे, जो हमारी ये सिलाई है, ये सिलाई से सिलाई मिलानी है। अब ये कुछ इस तरह से जुड़ गया है, देखिए एकदम यहाँ पर परफेक्टली
ये इसका जो जोड़ आया है इस तरह से आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसी नाप का हम फोम और लाइनिंग लेंगे और इसको क्विल्ट करेंगे। अब इसमें हमने फोम ले लिया और लाइनिंग ले ली, तो इसको हम यहाँ पर सिलना शुरू करेंगे। तो पहले हम इसको एल शेप में सिलेंगे, फिर जितने ये जोड़ हैं इस पर हम पहले मशीन चलाएंगे। हमने अभी खड़ी खड़ी करी है, अब पड़ी पड़ी सिलाई भी चला देंगे जो यहाँ पर ये जोड़ है। अब इसको क्विल्ट करने के बाद ये जो हमने बीच में जोड़ पर मशीन चलाई थी, इसमें एक चाप इधर से और एक चाप इधर से, बीच की सिलाई को छोड़ते हुए एक चाप इधर से मशीन पूरे में चला देंगे। अब ये हमारा पूरा पीस कोल्ड हो चुका है, ये देखिए सिंपल इसको हमने कोल्ड किया है, ऊपर से इसको लगा ही दिया था। अब हम इसको 16x16 का 16x16 का हम एक बैग रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको 6x6 के पीस लिए थे, पूरा सिलने के बाद देखिए एकदम परफेक्टली 16 आया है नीचे बॉटम में। अब ऊपर चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी पूरा 16 आ गया, पूरी सिलाई उलाई करने के बाद ये 16x16 का ही पीस हो गया है। अब जो फोम और लाइनिंग का किनारे का है इसको हम साफ कर देंगे। अब इसका यहाँ पे सेंटर निकालेंगे, ये सेंटर हो गया, सेंटर से चार उंगली रखेंगे यहाँ पर, चार उंगली रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर मैंने बेल्ट ली है 22 इंच की, मैंने यहाँ पे ये कंट्रास्ट कलर लिया है। और अब इस बेल्ट को हम इस जो निशान लगाया है सेंटर से चार उंगली इधर रख के यहाँ पर इसको बीचों बीच में रख के जोड़ देंगे। ये पीस हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैंने जिस कलर की बेल्ट है उसी कलर में मैंने ये दूसरा पीस बैक साइड के लिए रेडी किया है। इसका भी मेजरमेंट पूरा 16x16 है, ये देखिए पूरा 16x16 एकदम परफेक्ट है। और अब इसको हम एक तरफ से फोल्ड करेंगे और इसका भी सेंटर निकालते हुए इसमें भी हम बेल्ट को लगा देंगे। अब बेल्ट को लगाने के बाद हमारे पास ये जो आखिरी 10वां पीस है इसको हमें यहाँ पर लगाना है। इस पर पहले पेन से मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने हार्ट शेप बनाया है इसके बाहर बाहर एकदम सफाई से एक आउटलाइन एक उंगली की दूरी पर इसका शेप ड्रॉ कर लें। अगर पेन से कर रहे हैं तो बहुत सफाई से करें, और पेंसिल से कर रहे हैं तो भी सफाई से करें, अगर चॉक से कर रहे हैं तो भी सफाई से ही करें। चॉक तो मिट जाएगी लेकिन पेन नहीं मिटेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सावधानी के साथ इसको बनाना है। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको ये बेल्ट लग गई हमारी, इसको हमें यहाँ पर इस तरह से हल्का सा टेढ़ा रखते हुए इसको अंदर मोड़ते हुए, जितना कपड़ा है उतना अंदर मोड़ते जाएंगे और इसको यहाँ पर मशीन चलाएंगे। इसको मशीन से हमें जोड़ना है इस तरह से, यहाँ से शुरुआत करते हैं
ये हमारा हार्ट शेप का नीचे का हिस्सा आ गया इस तरह से। ये कॉर्नर जोड़ दीजिए और इसको सिल दीजिए। अब यहाँ पर ये जो हार्ट का गहरा वाला हिस्सा है यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, इस तरह से सीधी लाइन खींच लीजिए, इसको यहाँ पर कट कर देंगे इस तरह से। अब फिर इसको मोड़ना शुरू करेंगे और पूरा यहाँ से इस तरह से सफाई के साथ अंदर इसको मोड़ते हुए और मशीन चला के कंप्लीट कर देंगे। अब ये हमारा हार्ट यहाँ पर लग गया है, इसको हमने कुछ इस तरह से जोड़ दिया, हैंडल भी लग गया। अब दोनों पीस को लेंगे, हैंडल को हैंडल की तरफ एक साइड रखते हुए इसको यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, तीन साइड से जोड़ेंगे इस तरह से, बराबर से रखते हुए जोड़ देना है, हैंडल का हिस्सा खुला रहेगा। अब ये तीन तरफ सिलने के बाद फाइनली इस पर हम पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो एक सिलाई इसलिए की है कि मजबूत हो जाए, सारी सेटिंग हो जाए, उसके बाद फाइनल पाइपिंग चढ़ा करके इसको पैक कर देंगे। कोना कट करने से पाइपिंग कि जो यहाँ पे फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। अब इसको सीधा करेंगे। ये कुछ अभी इस तरह से रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने जिस कलर की बेल्ट है, जिस कपड़े का और जिसका ये बैक साइड है उसी कपड़े का मैंने यहाँ पर पाइपिंग का पीस लिया है। अब इसको हम यहाँ पर चढ़ाएंगे। हैंडल को बाहर रखते हुए पाइपिंग में फिनिशिंग दे देंगे और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। आज इसमें हमने कोई बटन नहीं दिए, कोई चेन नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। ये सिंपल हमने एक शॉपिंग बैग बनाया है। आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं, पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें गहराई बहुत है और नीट एंड क्लीन वर्क है। कोई हमने इसमें जब जिप और बटन नहीं लगाया है तो इसलिए कोई अंदर पॉकेट भी नहीं दी है, क्योंकि ये खुला रहेगा। तो इस तरह से हमने एक शॉपिंग बैग नए स्टाइल में रेडी कर दिया। तो ये बचे हुए कपड़ों का इस तरह से एक इस्तेमाल भी हुआ और काम भी बन गया और सामान भी बन गया। तो इस तरह से आप हर तरह की डिज़ाइन कर, यहाँ तो मैंने हार्ट शेप डाला है, आप इसमें कई तरह के शेप बना करके और पैचवर्क करा करके बैग रेडी कर सकते हैं। और मैं आने वाले वीडियोस में जो कतरने हैं उनका भी यूज़ इसी तरह से कुछ नए तरीके से कुछ नए आइडियाज़ के साथ लेकर आऊँगी। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन में बटन दबाना ना भूलें। नहीं फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।